आखिर क्यों सोशल मीडिया से लेकर हेटर्स तक एल्विशा से एल्विशा को तोड़ने के लिए कर रहे हैं बड़ी साजिश? क्या एल्विश और मनीषा के रिश्ते हैं इतने ज़्यादा अटूट कि अब हेटर्स भी हो रहे हैं परेशान? आखिर क्या होगा एल्विशा का अंजाम? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। वो कहते हैं ना, जो रिश्ता बहुत ज़्यादा अटूट होता है लोग उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं। देखो बहुत सारे फैंडम है, मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ, देख तमाशा टीवी का वो चैनल है ना जिसने कभी किसी को हेट नहीं दिया, लेकिन आज कुछ लोग हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, ये एल्विशा के पीछे पड़े हैं। यूट्यूब पर आप एक बार सर्च मारना, आपको एल्विशा का कोई भी कॉन्टेंट है ना सबसे टॉप पर देख तमाशा टीवी का चैनल पर मिलेगा, क्योंकि हमने डे वन से उस नेचुरल केमिस्ट्री को, उस नेचुरल रिश्ते को, उस नेचुरल फ्रेंडशिप को सपोर्ट किया है जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे। जिस एल्विशा के बारे में ये कहा जा रहा था कि इनका म्यूज़िक वीडियो तो छोड़िए, रीयूनियन भी नहीं होगा, एल्विश कभी मनीषा से नहीं मिलेगा, आज उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, मनीषा भी बहुत मैच्योर है, मनीषा बहुत समझदार हैं, और एल्विश यादव तो भाई हैं ही समझदार। एल्विश यादव और मनीषा रानी के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये छोटे मोटे हेटर्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एल्विश और मनीषा को इस केस में बदनाम करके उनको तोड़ दिया जाएगा ना, तो उनको सबसे बड़ी गलतफहमी हो रही है। एल्विश यादव और मनीषा रानी का रिश्ता इतना मजबूत है, वो दिल का रिश्ता है, वो इनके तोड़ने से नहीं टूटेगा। एल्विश यादव के केस में बड़ा स्टेटमेंट, और नोएडा पुलिस ने भी एल्विश को क्लीन चिट दे दी है। वेल आपको बता दूँ, एल्विशा को जो लोग भी हेट दे रहे हैं ना, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जलने वाले जलते रहेंगे लेकिन एल्विशा के चर्चे चलते रहेंगे। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आप भी मानते हो कि जी हाँ एल्विशा फॉर एवर है और रहेगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसी तरीके की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।